अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी तो दोस्तों, मैं इस वक्त नवाबशाह में मौजूद हूँ अपने भाई के घर पे। आज भाई ने हमारे लिए ख़ास तौर पे दावत की है, जिसमें उसने हमारे लिए अपने हाथों से बिरयानी बनाई है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ अपने भाई के घर पर आया हुआ हूँ। आप पीछे देख सकते हैं कि ये मकान थोड़े इनके दीवारें वगैरह जो है अभी प्लास्टर नहीं हुआ, अभी ये कंस्ट्रक्शन का काम है इनका जो रुका हुआ है। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने ताकत दी आगे तो ये अपने कंस्ट्रक्शन का काम जो है मुकम्मल करेंगे। तो मैं अपने भाई के घर पे इस वक्त मौजूद हूँ, और जैसा कि अभी रात का टाइम है और बिरयानी हमारी तैयार हो रही है जो अभी तकरीबन पक चुकी है, थोड़ी सी देर में हमारे आगे वो आ जाएगी और फिर हम उसको खाना शुरू करेंगे। तो व्यूअर्स, चलिए मैं अभी आपको जो है ना आगे की वीडियो शुरू करते हैं और अपने भाई के घर के बारे में भी थोड़ा आपको दिखाता हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये बिरयानी हमारी जो है ना चूल्हे पर पक रही है, अभी दम पर चढ़ा दी है। इंशाल्लाह ये अभी 5-10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाएगी और फिर हम भाई के हाथ की ये बनी हुई बिरयानी चेक करेंगे कि वो किस तरीके की बनी है और कितना लजीज बनी है। अभी इस वक्त जो है ये मकान अभी ताज़ा बनवाया है, अभी काफ़ी सारा काम भी रुकता है इसका, वैसे ये खुद जो है टेलरिंग का काम करते हैं। ये इसकी मशीन है जहाँ पे ये अपने घर के अंदर बैठ के सिलाई का काम भी करते हैं। कटिंग टेबल है ये। अभी जैसा कि ईद गुज़र गई है तो अभी फिलवक़्त ये बहुत ही सामान आगे पीछे बिखरा हुआ है। सामने ये एयर कूलर चल रहा है, मैं इस वक्त सहन में बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, नवाबशाह के अंदर गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो कि तकरीबन 47 या 48, कभी कभी 50 और 52 पर भी चला जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के पास एसी काम करता है, और जिसके पास एसी नहीं है वो एयर कूलर। इस वक्त इसकी हवा भी काफ़ी बेहतर और बहुत अच्छी महसूस हो रही है। कितनी देर लगेगी भाई? और इसको तकरीबन आधा घंटा और लग जाएगा। अभी आधा घंटा और लगेगा बिरयानी खाने के लिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा भाई। ये मेरा छोटा भाई है मंसूर, ये हमारे लिए स्पेशल बिरयानी पकाई है इन्होंने आज, ख़ास तौर पे रोका है कि मेरे हाथ की बिरयानी खा के जाना। तो अभी हम तो सोच में पड़ेंगे, पता नहीं कब तक बिरयानी हमारे पेट में आएगी ये। तो चलिए आधे घंटे का भी इंतज़ार करते हैं, जब तक वेट कर लेते हैं हम। इस एयर कूलर के आगे बैठ जाते हैं ठंडी हवा पर। हेलो हेलो आइजा, हेलो किची 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 चुनी, हेलो हेलो हेलो। ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? खेल रहे हो? ये क्या घर बनाया हुआ है? जी, तो ये जानवरों को कैद किया हुआ है अंदर? नहीं, फिर लो पिंजरा उठ गया तुम्हारा, कैद से आज़ाद हो गए सारे। कहाँ लेके जा रही हो? रुको, लो भाई, लगता है मेरी वीडियो ने खेल ख़राब कर दिया। हाँ ये जी मेरे भाई का रूम है, बेडरूम जिसको बोलते हैं। बच्चों ने यहाँ क्या हशर बनाया हुआ है। लगे रहो लगे रहो लगे रहो, फिर से तैयारी हो रही है। हाँ, पूरे कमरे का क्या हाल कर दिया है यार, कचरा बना दिया पूरा। नूर क्या कर रही हो ये? चलो, वो रोने लग गया काका। चलो Shh.
छोड़ दो। अरे चक मार दिया, अभी देख चक मार दिया इसका। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं अभी बिरयानी पक के तैयार होकर हमारे सामने आ गई है। तो अभी हम फटाफट इसको खाना शुरू करते हैं और टेस्ट इसका चेक करते हैं कि ये कैसी बनी हुई है। बिरयानी देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन माजरत चाहते हैं कि ये हम आप तक पार्सल नहीं कर सकते, जो कि माइंड मत कीजिएगा, मेहरबानी होगी। उसको काका दे, रात को उसके साथ ही सोती है ये। टाटा, कराची से आया है। टाटा आइजा, टाटा करो ये दीजिए। टाटा, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, अभी देख ही नहीं रहे, बाय बाय। वो उसकी नजर सानी से हटी नहीं रही। चले मायरा, चलो जी। हाँ क्या, चलो जी, चलो जी। तो व्यूअर्स, बिरयानी हमने खा ली है और माशाल्लाह से भाई ने बड़ी मेहनत के साथ बनाई थी और बहुत ही अच्छा जायका था। और अभी जो है हम लोग जा रहे हैं अपनी अम्मी के घर पे, जहाँ पे इस वक्त हम लोग रुके हुए हैं, स्टे हमारा वहाँ पे, मेरी माँ मेरी वालदा के घर पे। और आज जो है हमने भाई के घर पे आके ये दावत उसने हमारे लिए ख़ास तौर पर स्पेशल अपने हाथों से जो बिरयानी बनाई थी वो हमने खा ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँची रहे। तो चलिए व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।